नमस्कार, स्वागत है आपका सैम्स डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पे। आज बुल को इसको ये ब्रश घुमा रहा हूँ। इससे क्या होता है कि इसकी स्किन का कलर जो है वो नेचुरली बाहर आएगा। जो इसकी ऊपर की इसके जो बाल है झड़ गए वो निकल जाते हैं, और जो नए आते उसका कलर आपको अच्छा दिखेगा। और ये इसको भी इतना पसंद है कि ये खड़ा रहा है, हिल भी नहीं रहा। इसको सबसे ज़्यादा पसंद आता है यहाँ सर के पीछे खो जाना। देखो मैं वहाँ करता हूँ। इसकी ये पर्दे जैसी झालर देखो, इसको गुजराती में झालर बोलते हैं। बहुत बड़ी साइज है इसकी, आप देख सकते हो। मेरी हाइट 5'8" है, तो आप देख सकते हो कि इसकी साइज क्या रहेगी। मजा आ रहा है, देख ही रहे हो आप इसे। चलो यहाँ नीचे घुमा लेता हूँ। ये आपके पास अगर कोई भी बुल हो या बुल लेना चाहते हो तो बुल हमेशा ऐसा लो जो सबसे शांत हो, मारने की ना सोचे, आपको आराम से आपके पास रहे। अगर ऐसा बुल भी आपके पास हो तो इसे भी कभी लाठी का इस्तेमाल ना करें। इसके ऊपर गलती से भी अगर ऐसा करोगे तो इसकी ताकत इतनी होती है कि हम कोई भी इंसान इसको पकड़ के कंट्रोल में नहीं कर सकता। तो अगर इसको हो सके उतना शांत रखने की कोशिश करें। शांत रखने का सबसे आसान तरीका है कि इससे प्यार से ऐसे रहे इसके साथ, ऐसे इसको ब्रश घुमाए, इसको लगेगा कि आप इसका ख्याल रख रहे हो। इसको एक बार ये भरोसा आ गया कि आप इसे कोई भी तरह से परेशान नहीं करते तो आप नया भी बुल लेके आओगे तो भी वो आपके साथ प्यार से रहेगा। हाँ, इतना अच्छा लगता है। गर्दन देखो इसकी इतनी चौड़ी देख सकते हो। देखो अगर ये आपके पास अच्छी क्वालिटी का है, प्योर नस्ल का है, तो इससे जो बछड़ी बछड़ा आएगा इसका बेटा या बेटी, तो वो इसकी क्वालिटी का आएगा ही। 50% जो जीन्स बोलते हैं तो वो तो इसका आएगा ही। तो वो आप सबसे पहले यही ध्यान रखो कि आप जो बुल रखो वो अच्छी क्वालिटी का रखो। चलिए इसकी चमड़ी देखी आपने, ये एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे जो चमड़ी है इसकी, ये देखो ये देखो, दिख रही है? पूरी दो उंगली के हाथ में ही आ जाती है। ये सभी गाय बुल सभी को ही अच्छा लगता है ब्रश घुमाना। जैसे घर पे पर्दे रखते हैं ना, ऐसे ही ये हिल रहा है। ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। वहाँ पे साफ सफाई कर लो, वहाँ पे गंदा है, सब लेने लगो। सर्विस
ब्रश पूरा गंदा हो गया है, सफेद था काला हो गया है, इसको साफ करते करते ये जो अभी मैंने ब्रश घुमाया है, ये बुल को तो पसंद आएगा, गाय को आएगा, ये हमारी जारा है उसको भी पसंद आता है। अंदर आओ है क्या? भंगोरा भंगोला मिट्टी के अंदर घर करके रह रहा था। हाँ। गोबर के ढेर में बाहर निकले तो कुछ पता चले है क्या? मुझे थोड़ा सा बिच्छू जैसा लग रहा है। रुक 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 रुक, ये आवाज किसी कर रहा है? ये आवाज अंदर बैठ रहा है, आपको आवाज सुनाई दे रही है? यही निकल रहा है, बाहर नहीं निकलना इसे। यहाँ से ये लोग गोबर ले रहे थे, अंदर से दिखा फिर हो गया। ये बंगोला होता क्या है? ये निकल गया, तमाम कर रहा है, आज कर रहा है आवाज हमारा। ये बाहर निकले तो पता चले क्या है। अच्छा, ये डंग बीटल है, छोड़ो तो ये डंग बीटल है। डंग बीटल जो गोबर होता है उसकी गेंद बनाता है और उसी के अंदर इसके अंडे और बच्चे देता है। मैं तो पहले मुझे पहले ऐसा लगा कि ये बिच्छू है कि ऐसा कुछ है, क्या है ये? क्या बोल रहे थे आप? भंगोड़ा। ये गुजराती नाम है भंगोड़ा। ये भंगोड़ा का मतलब यही ना, गोला गोला बनाता है, ये वही है भंगोला। डक बीटल, इसके अंदर इसने खड्डा किया था और ये खड्डे के अंदर से निकला है। चलो अंदर चले जाओ, देखो वो चला गया और छिप भी गया। आगे के उसके जो सर था उसका, उसी से ये मिट्टी निकल रहा है अभी। अंदर लोग होके बैठ गया वापस। ये इसके अंदर ही रहेगा, यहाँ से इसको दूर ले जाओ। ये इसका खाना ये गोबर ही है ना, तो इसको ये गोबर के साथ ही लेके जाओ। बस वो भर दो, उसके अंदर छोड़ दे वो। अच्छा, टब में लेके जा रहे, जाने दो इसको। ये थोड़ा अलग जगह पे रखना तो ताकि इसका घर भी बना सके। तो मिलेंगे अगले दिन कुछ नए टॉपिक के साथ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।